उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों में हुए गड़बड़ झाले के बाद सीएम धामी का कहना है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष अपनी तरह से कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि इस बाबत यह आदेशित किया गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी भर्तियों के दौरान न की जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जाएं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने कहा है कि पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की जांच की जा रही है, साथ ही साथ पहले भी सरकार की इस समय हुई भर्तियों की जांच की जाएगी। बहुत ही आभार माननीय अध्यक्ष जी, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने अनुरोध किया है उनसे कि वो जहाँ भी ऐसा लगता है गड़बड़ी, और लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए हम इस पर जरूर विचार करेंगे कि इस प्रकार से कोई फुल प्रूफ योजना विधानसभा के स्तर पर भी होनी चाहिए कि जिससे जो भी नियुक्तियाँ हों तो उन नियुक्तियों में भविष्य में कोई गड़बड़ी की आशंका न। कल भी कहा था कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सभी आने वाले नौनिहालों का, हमारे परीक्षा में बैठने वाले हमारे बेटे बेटियों का, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इसमें राजनीति अन्य विषयों पर हो सकती है, इस पर हमने एक समान रवैया अपनाया। हमने कल भी कहा कि किसी के कालखंड में जो नियुक्तियाँ हुई या 15-16 में दरोगा भर्ती की जांच शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कोई निशाना बना रहे हैं कि किसकी सरकार में हुआ है। अभी जो भी पहले की कितनी भी इस प्रकार की गड़बड़ियों की बात आई है, सभी में हम जो है जांच कर रहे हैं और जांच का परिणाम भी सामने आ रहा है। 27 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और भविष्य में भी ये जांच चलती रहेगी जब तक कि इसका अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में चल रही जांच और परीक्षा निरस्त किए जाने की बात पर चयनित अभ्यर्थियों ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया और सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा में पास हुए हैं और ऐसे में यदि परीक्षा को निरस्त किया जाता है तो वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि दोषियों पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी के बल पर परीक्षा को पास किया है उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। भारी बारिश के बीच अभ्यर्थियों ने धरना दिया। देख रही थी मीडिया पे कि रद्द होने के जा रही है, जांच की बात ठीक है, जांच हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन रद्द ना की जाए परीक्षा, मेरा ये मानना है। आश्वासन तो सर क्या होना, आश्वासन तो कब मिल रहे हैं, लेकिन उनके बयान एक नहीं है सर। मुख्यमंत्री जी खुद जब अपने बयानों से बदल रहे हैं तो ये तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ही है, तो इनसे हम कैसे आश्वासन, मतलब हमें आज इतना अच्छा नहीं लगा है। हमारे यहाँ सौरागढ़ से आए हैं सब, चंपावत से आए हैं सब, बागेश्वर से हमारे बॉर्डर से आए हुए हैं, उनको वो क्या उम्मीद लेके घर जाएंगे सर। आज जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो चयनित छात्र है अपनी ईमानदारी से, देखो सब लोग मीडिया में आके यही बोलते हैं, सोशल मीडिया में आके, कि सारे 916 चोर है। हर जगह आपने देखा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए आज हमारे सारे मेहनती छात्र यहाँ पे आए। ये हमें सीएम साहब को ये दिखाना था कि सर हम मेहनती है, सर हमने अपनी मेहनत से निकाला है ये पेपर। अपने नियुक्ति की मांग के लिए जो है एक रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक संदेश देना चाहते थे और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर किसी कारणवश जो हमें आश्वासन पूरा नहीं मिल पाया है कि जो है सीएम सर उन्होंने कहा है, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता आए थे रविंद्र जुगांधी, उन्होंने कहा कि आज सीएम सर यहाँ है नहीं,